subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो है वो अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाई का इतिहास। पाई जो है वो एक बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि पाई का कैलकुलेशन करते करते जो सुपर कंप्यूटर था वो भी हार गया। ठीक 5 ट्रिलियन तक उसने जो है वो पाई की वैल्यू निकाली और उसके बाद भी वो हार गया, आगे उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाया। क्या आप जानते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है? पाई कहाँ से आया? ठीक पाई की वैल्यू कितनी होती है? ठीक तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने पाई की वैल्यू निकालने में पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन पाई की वैल्यू पूरी कंप्लीट नहीं निकाल पाए। और जो हमारे महान साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, उनका आखिर पाई से क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पाई कहाँ से आया। तो जो हमारा ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो हमारा 16th लेटर है, 16वां लेटर जो है वो पी है, सेम उसी तरह से जो ग्रीक अल्फाबेट होते हैं उसमें हमारा 16वां लेटर जो है वो कौन सा है? पाई है। ठीक 16वां लेटर हमारा पाई है। उसके बाद कि पाई का यूज आखिर क्यों किया गया, पाई कहाँ से आया, पाई का क्या इतिहास रहा, तो हम इसके बारे में जानते हैं 3500 ईसा पूर्व। तो 3500 BC में क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है जब हमें कोई समस्या आती है तभी उसका सलूशन निकलता है। हमें गर्मी लगी तो हमने AC का निर्माण कर लिया, हमें ठंडा पानी पीने का हुआ तो हमने फ्रिज का निर्माण कर लिया। ठीक हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंच जाएं तो इसके लिए हमने रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, इन सब का आविष्कार कर लिया। तो इसी तरीके से जो हमारा 3500 BC पहले लोग थे तो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उन्हें कोई साधन था, कोई था नहीं उनके पास, घोड़े वोड़े थे इससे जाते थे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सामान हो तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी टाइप की बनाई। ठीक जिसमें एक पहिया लगाया, ठीक उसमें दो गोल पहिए लगाए, जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास कचरे वाली गाड़ी होती है इस तरह से हाथ से पकड़ के ले जाते हैं, सेम उसी तरह की। ठीक लेकिन दिक्कत उसमें यह आई कि जो पहिया था वो पूरा गोल नहीं बना, और पूरा चूंकि गोल नहीं बना इसलिए जब वो चलता था तो वो धचके खाता था, जिससे कि सामान को गिरने का और नुकसान होने का खतरा बढ़ गया। तो पहले जमाने में इतनी चीजें तो थी नहीं, भाई आज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें गोल शेप का कुछ भी बनाना है, सपोज करिए पेड़े बनाने गोल, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गोल शेप का कुछ लेते हैं, उसमें पेड़े को हम थापते जाते हैं। ठीक पहिए बनते हैं कारखानों में, वहां भी एक गोल शेप होता है, उसके पहिए बनते हैं। आपने देखा है प्लास्टिक के गमले होते हैं, ठीक और मिट्टी के भी गमले होते हैं, या फिर हमारे सीमेंट के भी गमले होते हैं, तो क्या उसी साइज में ढाल के बनाए जाते हैं। लेकिन तब ऐसी चीजें नहीं थी, तो फिर क्या किया गया कि समस्या आ गई, तो जाहिर सी बात है जब समस्या है तो उसका निदान है। तो वो जो पहिया था उसे पूरा गोल बनाने के लिए एक मेजरमेंट वहां तब लोगों ने जनरेट किया। क्या जनरेट किया कि अगर हमें गोल पहिया बनाना है, अगर उसकी डायमीटर 7 यूनिट है, अगर डायमीटर 7 यूनिट की है तो फिर जो उसकी सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, 22 यूनिट। तो ये वहां पर एक मेजरमेंट लिया गया कि अगर हम 7 यूनिट डायमीटर है तो 22 यूनिट की सरकमफ्रेंस अगर हम बनाएंगे तो पहिया क्या होगा, बिल्कुल गोल बनेगा, और बिल्कुल गोल बनेगा तो उससे सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कोई भी दुविधा नहीं होगी, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक तो इसी को डिनोट करने के लिए 22/7 ये उन्होंने वहां पर एक एवरेज निकाला। तो यहां पर क्या हुआ, 22 हमारा क्या था, सरकमफ्रेंस यानी सी, और डायमीटर तो हम ये कह सकते हैं पाई की डिफिनीशन क्या होती है कि सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर इनका जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पाई। आखिर इस चीज को पाई से ही डिनोट क्यों किया गया, भाई इसकी वैल्यू कितनी आई, 22/7, और उसी को पाई से डिनोट किया, आखिर इसका रीजन क्या रहा। तो सर्कमफ्रेंस को ग्रीक भाषा में कहते हैं पेरिफेरी। ठीक तो उसका जो पहला लेटर होता है वो पाई होता है, शायद इसीलिए जो है वो पाई से इसको डिनोट किया गया। ठीक तो ये रहा इसका इतिहास कि आखिर पाई की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहीं से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलने जा रहा है, C अपॉन D, हम जानते हैं क्या होता है, रेडियस का डबल होता है,
और इक्वल क्या है पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सी इक्वल टू पाई आर। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आ गया कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है, टू पाई आर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर पाई की। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बच्चों को नहीं पता होगी, तो आज हम सारी चीज पाई से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो हम सब जानेंगे। जो पाई होता है उसकी वैल्यू हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ी 22/7, हम लोग यूज करते हैं, टीचर्स ने हमको छोटे पर से बताया है और हम लोग लिखते हैं और मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 22/7 को अगर हम डिवाइड करें, यानी 22 को 7 से डिवाइड करें, तो ये क्या होता है रिपीटिंग, यानी कुछ टर्म के बाद, कुछ पॉइंट्स के बाद जो है वो ये रिपीट होने लगते हैं नंबर। ठीक है, अल्टरनेट रिपीट होते जाते हैं, तो ये क्या है रिपीटिंग है। चाहे तो आप 22/7 को इजिली कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आया या टर्मिनेटिंग आया, यानी टर्मिनेट हो गया यानी रिपीट हो गया, मतलब रिपीट है। ठीक, ये 22/7 क्या है रिपीटेड है, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये रिपीटिंग आया या नहीं। ठीक है, आखिर फिर इसकी वैल्यू होती क्या है? तो वैल्यू ही निकालने में कई वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ठीक, पाई की जो वैल्यू आई वो आई 3.14159 और इसी तरह से आगे बढ़ती गई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात सामने ये आई कि ये जो पाई की वैल्यू आई ये रिपीटिंग नहीं हुई और ना ही टर्मिनेट हुई, यानी कभी भी इसका डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक, और ये रिपीट भी नहीं हुई, इसी के लिए सुपर कंप्यूटर से इसको कैलकुलेट किया गया 5 ट्रिलियन, समझ सकते हैं कितने डिजिट तक, 5 ट्रिलियन डिजिट तक इसकी वैल्यू निकाली गई और इसकी वैल्यू कहीं भी रिपीट ही नहीं हुई। तो सुपर कंप्यूटर ने भी हाथ जोड़े, भैया हम नहीं निकाल सकते वैल्यू। ठीक, बहुत अभी भी इसकी वैल्यू निकाली जा रही है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत दूर तक निकाली जा चुकी है और अभी तक रिपीट नहीं हुई। तो अभी पर अभी भी इस पे शोध जो है वो जारी है। फिलहाल काउंटिंग के लिए हम जो 3 डिजिट लेते हैं, ठीक, जो 22/7 की वैल्यू आती है, 22/7 इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14285 और इस तरह से आगे, लेकिन ये आगे जाके जो है वो डिजिट रिपीट होने लगती है। ठीक, लेकिन कैलकुलेटर की हिसाब से कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हम पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट लेते हैं और 2 डिजिट सेम होती है, इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। ठीक, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या, 22/7 क्या है परिमेय संख्या। ठीक, यानी ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है और पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब हम समझते हैं यूज ऑफ पाई, यानी कि पाई का यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, अगर कहीं गोला आ जाए या सर्किल आ जाए तो वहां पर हम पाई का यूज जरूर करेंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्किल, ठीक, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सिलेंडर का एरिया, ठीक, स्फीयर का एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, तो जिसमें भी गोला आ जाए उसमें पाई जरूर यूज होगा। क्यूब में कोई गोला नहीं होता है, इसलिए क्यूब के किसी भी फॉर्मूले में पाई नहीं होता है। ठीक, इसी तरह से स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इनमें कहीं भी पाई नहीं आता है क्योंकि उसमें कहीं भी गोला नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कहां कहां पर पाई को हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी परीक्षाओं में आ चुका है। तो पाई डे, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने इतनी पढ़ी तो इसी से निकल आएगा। ये हमारा क्या है मंथ, ये हमारी क्या है डेट, और ये हमारा क्या है टाइम। यानी पाई डे कब मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है 14 मार्च। ठीक, तो ये 14 क्या है, ये हमारी तारीख है और ये 3 क्या है हमारा मंथ है, यानी 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये एक निश्चित समय पर मनाया जाता है। ठीक, तो कितने बजे मनाया जाता है, 1:59 पर दोपहर में, 1:59 पे मनाया जाता है। तो ये क्या है मंथ,
यानी 14 मार्च को मनाया जाता है और 1:59 पर मनाया जाता है। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो उसकी वैल्यू है, अगर हमने वैल्यू याद कर ली तो हमको सिर्फ 3 चीजें याद हो गई, कब मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है और किस मंथ में मनाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने जाना कि आइंस्टीन थे, टेक फ्लेमिंग थे, तो जो हॉकिंस थे, फ्लेमिंग नहीं सॉरी हॉकिंस, ठीक, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, तो उनमें आके सिमिलरिटी क्या थी, तो सिमिलरिटी और पाई में क्या थी, पाई कब मनाया जाता है, 14 मार्च को, और इसी दिन जो है वो आइंस्टीन इनका जन्म हुआ था। ठीक, और जो हमारे हॉकिंस थे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक, तो पाई डे वाले ही दिन एक महान साइंटिस्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था और एक महान साइंटिस्ट जो हमारे स्टीफन हॉकिंस थे उनका निधन हुआ था। तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट थे। आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि पाई का यूज क्यों करते हैं, पाई की डिफिनीशन क्या होती है, पाई का क्या इतिहास रहा और पाई डे कब मनाया जाता है, कितने बजे मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस बारे में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में जानकारी मिले। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।